नमस्कार दोस्तों, हम आज हैं सोनभद्र के सलखन में फासिल्स पार्क के पास। ये जीवाश्म है फासिल्स पार्क में, ये सोनभद्र में पड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण फासिल्स पार्क। इसी जीवाश्म के वजह से जाना जाता है। ये जैसे वृक्षों के आकार से बना हुआ है, लग रहा है ऐसा। लोग बताते हैं कि इसका दिन पे दिन आकार बढ़ता है, जैसे पौधों का आकार बढ़ता है। आइए कुछ जानकारियां लेते हैं चाचा जी से। तो चाचा, आपके समय में पहले तो बहुत छोटा छोटा रहा होगा ये। छोटा रहा, हाँ बाकी अब कुछ देख हम लोग के नज़र पर जो हाँ, बढ़ा रहा है। आपके नज़र मतलब बड़ा है आपके जानकारी में ना। तो ऐसे ही मतलब कितने साल से आप इसको जानते हैं? मतलब अरे हमारे जब जाना लाइक भली तब वैसा कि अच्छा, मतलब हाँ बचपन से ही आपको ये देखने को मिलता है। बचपन अच्छा, यहाँ से ही सर रिसर्च करने वैज्ञानिक लोग भी आते हैं। हाँ आवन ना। अच्छा, तब तो गवर्नमेंट इसके लिए इनको पेमेंट पे भी रखती होगी ना। हाँ तनख्वाह दे ले इनका। अच्छा, और कुछ इसमें की आकस्मिक घटना कभी? हाँ, और कोई घटना के बारे में बताइए जो इसके बारे में आप जानते हैं। नहीं तो हम मन को अपना जानकारी से महनी हाँ एकर एकर जब जान के लोग बता सकते ना। अब हम मन अब एकर भाई पथराग भाई पथराग कम किया। ये पूरा पेड़ पौधों की जैसा लग रहा है इसका, लेकिन पत्थर के जैसा ही तो है पूरा का पूरा। अच्छा, इसमें से सैंपल लेके गए हैं वैज्ञानिक लोग। वैज्ञानिक लोग ले डलवाई है होल कैसे, ये जो होल करके इसमें से सैंपल लेके गए हैं। 7-8 हुई सैंपल होल का। अच्छा हाँ, इसमें भी एक है। तो अभी कुछ बताए हैं कि नहीं वैज्ञानिक लोग जैसे इसके बारे में कुछ जानकारियां? ढेर है कुल आलन है अमेरिका से लोग। अच्छा, अमेरिका से वैज्ञानिक आते हैं। ये जीवाश्म वाले पत्थर तो अमेरिका में भी पाए जाते हैं ना। थोड़ा सा बा बताओ ना लोग कहो ना। हाँ, लेकिन यहाँ इंडिया तो के सोनभद्र में विख्यात बा ये फासिल्स पार्क की वजह से विख्यात है। हाँ। ये बैठने के लिए व्यवस्था भी प्रशासन ने बना के रखा है। अच्छा, ये जो ये बांस का है पौधा, कौन से बांस की वजह से, मतलब इसका नाम क्या है? ये तो बांस पुराना है। हाँ पहले ही से। हाँ पहले से ही हाँ है। पहले से। अच्छा, बहुत आज आज नहीं चिक्कन चक्कन लौकता नहीं, एकदम जंगल से भरल रहा छुपल रहा। अच्छा, ये छुपा था पूरा हाँ जंगल से ना। हाँ प्रशासन ने साफ सफाई हाँ करवा के सफाई इसको। करा करके एक बढ़िया सुंदर कनब बना दे लेने से। बहुत सारा पत्थर जैसा दिख रहा है सब। अभी भी उतना सफाई नहीं है, नहीं लोग ज़्यादा मतलब यहाँ पे आते भी नहीं है। हाँ बहुत कहाँ कम। से कि इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी भी नहीं होती है ना। जो लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में, वही लोग आते हैं। वही लोग देखने के लिए आते हैं। ये सोनभद्र के सलखन में है फासिल्स पार्क। एक ये है और एक उस साइड में बता रहे हैं ना। ज्यादा दूरी पे है वो? नहीं करीब में है।
अच्छा पहले से इसका आकार बड़ा है ना, आप ही देख रेख करते हैं? अच्छा गवर्नमेंट आपको क्या देती है, कितना वेतन मिलता है आपको? अच्छा चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि वेतन आपको देती है गवर्नमेंट। की साइड में भी है उधर झाड़ी है, घूमने लायक नहीं है, घूमने लायक नहीं है ना, ये रहने के लिए है। इनको अकेले आप ही रहते हैं कि और कोई है साथ में? अच्छा अच्छा ये बैठने के लिए है पर्यटकों को, ये आजू बाजू का वातावरण है, सबसे बढ़िया व्यवस्था है इनके लिए। अच्छा ये दो तीन जगह पे है क्या यहाँ पे? सोनभद्र के सलखन में पांच जगह पे जीवाश्म पार्क है, फॉसिल्स पार्क। अच्छा इसके बारे में कोई जानकारियाँ लेनी हो तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं।